नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज 28 मार्च 2023 को यानी मंगलवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं, और जिसमें 5 जो है वो क्रिमिनल रिलेटेड मैटर से हैं और बाकी 3 जो है वो सिविल रिलेटेड है। तो आइए हम इस पहली जो पार्ट में हम क्रिमिनल रिलेटेड मैटर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो देखिए, ये एक क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो कि नॉन रिपोर्टेबल है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स है। अपीलेंट्स जो है वो कंप्लेनेंट है, और ये क्रिमिनल अपील नंबर 812 ऑफ 2023 एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, और इसमें यहाँ पर कंप्लेनेंट ने जो रिस्पॉन्डेंट है उनमें अक्यूज्ड को भी रिस्पॉन्डेंट बनाया, जिनको बेल ग्रांट कर दी गई थी माननीय हाईकोर्ट द्वारा, स्टेट की हाईकोर्ट ने। और यहाँ पर जो बेल के ऑर्डर को चैलेंज किया था, और यहाँ ये इस ग्राउंड्स पे चैलेंज किया था कि नेचर ऑफ एलिगेशन और सीरियसनेस ऑफ क्राइम्स को देखते हुए हाई कोर्ट ने कई जो फैक्ट्स हैं जो उसको इग्नोर कर दिया है, और यहाँ पर एरर किया हाई कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कंटेंशंस को एक्सेप्ट किया और पाया कि जो एलिगेशंस थी वो 302 की थी, और जिसमें एफआईआर में भी जो स्टेटमेंट दी गई है उसी कॉर्बोरेट किया गया 161 सीआरपीसी में स्टेटमेंट पे। तो नेचर और ग्रेविटी ऑफ जो ऑफेंस है वो सीरियसनेस को देखते हुए, और अनलॉफुल असेंबली का भी जो इंग्रीडियंट्स है तो इसमें भी जो है हाईकोर्ट ने एरर की है, तो इसमें इन ग्राउंड्स को देखते हुए जो बेल को कैंसिल कर दिया। थोड़ा सा हम इसके डिटेल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं। और ये इम्प्यूनिटी ऑर्डर थे उसको चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। ये 3 अलग अलग डेट्स को ऑर्डर्स आए थे जो कि हाई कोर्ट ने जो अलाहाबाद हाई कोर्ट थी क्रिमिनल मिसलेंस बेल एप्लीकेशन है उनमें डायरेक्शंस दी थी कि जो एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्डेंट बनाया गया उनको बेल पे छोड़ दिया जाए और रिलीज कर दिया जाए, और ऑफेंसेस थे सेक्शन 147, 148, 149, 324, 427, 441, 323, 506, 447, 307 और 302 और 34 ऑफ आईपीसी। ये डिस्ट्रिक्ट मेरिट है, इसमें रजिस्टर की गई थी, और यहाँ पर कंटेंशन रखी कि हाई कोर्ट ने मटेरियल एरर किया है, रिस्पोंडेंट को रिलीज कर दिया है क्योंकि अक्यूज जो बेल पे हैं और वो भी ऑफेंसेस जो हैं 302 से रिलेटेड हैं। और कंटेंशन ये भी रखी कि हाई कोर्ट ने प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया फैक्ट्स को कि जो अक्यूज हैं उन्होंने सरेंडर किया था जो प्रोसेस इशू हुआ था अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी। तो पहले ये दोनों अक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहे थे, और प्रोक्लेमेशन का जो ऑर्डर आया था कोर्ट का 10 अक्टूबर 2021 का, जिसमें प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 का इशू हुआ था, फिर उसके बाद ही उन्होंने सरेंडर किया था। तो काफ़ी और भी कंटेंशन रखी कि हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया कि कंट्री मेड पिस्टल है वो जो अफेक्टेड थी जो अक्यूज्ड है उनके ब्रदर से जो मतलब जो है हैज़ बीन अफेक्टेड, और फिर इसके बाद अप्रिशिएट नहीं किया था कि आल अक्यूज जो हैं वो उनका नाम एफआईआर में डाला गया था और स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट की रिकॉर्ड की गई थी 161 सीआरपीसी में। तो अनलॉफुल असेंबली का जो पार्ट थे अक्यूज जो एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे, और जो उनको रेस्पॉन्डेंट बनाया गया, तो क्योंकि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, और फिर उनके जो ब्रदर हैं कंप्लेनेंट के उनको गनशॉट इंजरी हुई थी जिसकी वजह से डेथ हो गई थी, उनके जो ब्रदर हैं जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थे उनके जो ब्रदर थे उन्होंने गनशॉट इंजरी की थी जिससे कंप्लेनेंट के ब्रदर की डेथ हो गई थी, और जो अक्यूज्ड के नाम बताए गए थे वो एक अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे, और ट्रैक्टर जो है वो यूज़ किया जाता था उनकी जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये सब एफआईआर में मेंशन है और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट में भी मेंशन है। तो यहाँ पर ये बताया कि नेचर ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस जो कमिट किए हैं तो इसलिए जो बेल नहीं ग्रांट करनी चाहिए थी, और ये एक जजमेंट पर रिलाई किया यशपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश क्रिमिनल अपील 1509/2022 जो कि डिसाइड हुई थी 15 सितंबर 2022 को, और जिसमें बताया गया था कि जो बेल की गई थी फेवर ऑफ द अक्यूज्ड उसको कैंसिल कर दिया गया था इस कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पर ये सारी कंटेंशंस के बाद, और बाद में हाईकोर्ट ने अक्यूज के काउंसिल ने अपोज किया कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, सबमिशंस देने के बाद
एलिगेशन देखी गई मार्डिन कोर्ट ने, सारी ऑब्जर्वेशन की एलिगेशन देखी गई एफआईआर में, और दे पाया कि लैंड डिस्प्यूट था, फादर ऑफ द अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट साइड का ये मोटिव था, और एफआईआर में जो रजिस्टर करने से पहले एक ट्रैक्टर था वो चला दिया गया था उसमें, तो एफआईआर रजिस्टर की गई थी कि स्टैंडिंग क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद इन्फॉर्मेड अदर जो है वो स्पॉट पे आए थे, और इसमें अक्यूज्ड पर्सन ने जिनका नाम है एफआईआर में, वो उन्होंने अटैक किया था, और इससे इन्फॉर्मेंट के जो ब्रदर की डेथ हो गई थी और बाकी दो पर्सन इंजर्ड हुए थे। ये सारे एस्पेक्ट है कंसिडर नहीं किए हाईकोर्ट द्वारा, और लेकिन अक्यूज्ड को बेल पे छोड़ दिया गया, और कोई रीजंस भी नहीं बताया हाईकोर्ट ने कि क्यों छोड़ा गया है, रिस्पेक्टिव बेल्स क्यों की गई है। अक्यूज्ड पर्सन जो है, जो कि ट्रायल फेस कर रहे हैं 147, 148, 307, 302, जो कि एक सीरियस ऑफेंसेस हैं, और कोई हाईकोर्ट को कॉजिनेंट रीजंस देने चाहिए कि जब भी अक्यूज्ड को बेल पे छोड़ना चाहिए, छोड़ते हैं तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने ये सिर्फ ये रीजंस किया कि जो जेलें हैं वो ओवरक्राउड हो रही हैं, तो ये सीरियसनेस जो है वो उसको नहीं कंसिडर किया, तो जो कि एक तीनों अक्यूज अनलॉफुल असेंबली का पार्ट थे, तो ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि बेल पे छोड़ा जाए, तो इसलिए अनलॉफुल असेंबली का पार्ट था। तो ये सारे ग्राउंड्स को देखते हुए कोर्ट ने उनकी जो बेल थी उसको क्वैश कर दिया, और कहा कि डायरेक्शन दी कि सरेंडर करें जेल अथॉरिटीज को, नहीं तो फिर उसके बाद उनको कस्टडी में ले लिया जाएगा, तो इसे प्रेजेंट अपील को डिस्पोज कर दिया। ये थी एक जजमेंट, आइए हम दूसरी जजमेंट पे चलते हैं। माननीय सुप्रीम, दूसरी जो जजमेंट है वो एक क्रिमिनल अपील से रिलेटेड है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 942 ऑफ 2023 है, और इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो कि रिस्पॉन्डेंट है, जो स्पेशल लीव प्रिपिटिशन से अराइजेस हुई थी, क्रिमिनल 3400 ऑफ 2017, और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें जो ग्राउंड्स जो उठाए गए थे वो एक ट्रायल कोर्ट ने एक कन्विक्ट कर दिया था अपीलेंट को अंडर द सीरियस चार्जेस थे 366, 376, 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड, और यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने जो पनिशमेंट अवार्ड की थी वो अक्यूज्ड को कहा था कि रेस्ट ऑफ द लाइफ वो प्रिजन में रहेंगे। तो अब हाई कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये ग्राउंड्स रेज किया कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन्हीं की पावर होती है कि वो जो जिनको डेथ पेनल्टी में दी जाए तो उन्हीं को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर जो अक्यूज्ड को रेस्ट ऑफ द लाइफ की जो पनिशमेंट थी है वो सस्टेनेबल नहीं है, और एक जजमेंट पर भी रिलाई किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखने कंसिडर करने के बाद ये पाया कि जो अक्यूज्ड है उनके ऊपर चार्जेस थे सीरियस है, लेकिन जो विक्टिम के भी जो राइट्स थे उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चूंकि ऑफेंस बेंगलोर में हुआ था और एट द टाइम जो अक्यूज थे उनकी जो उम्र थी वो 27 ईयर्स ऑफ एज थी जब उनको कन्विक्शन हुआ था, और एक चाइल्ड थी और एक वाइफ है, लेकिन यहाँ पर जो है अपील को पार्शियल अलाउड कर दिया और जो सेंटेंस थी उसको मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि अक्यूज ऑलरेडी 17 ईयर्स जेल में काट चुके थे, तो अब जो फिक्स टर्म थी वो 30 ईयर्स तक की कर दी सेंटेंस को। आइए थोड़ा सा जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं क्या था इस जजमेंट में। एक जो सेंटेंस थी ये पनिशमेंट हुई थी 302 इंडियन पिनल कोड में, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, उन्हें सेंटेंस थी दे दी गई थी रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। अपील प्रेफर की गई थी इस कोर्ट में कि कन्विक्शन और सेंटेंस को चैलेंज किया था और कहा था कि इन जज और सबमिशंस ये दिए गए कि जो एक लॉ ले डाउन किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरन वर्सेस अलियास मुरुगन एंड अदर्स की मॉडिफाइड सेंटेंस है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स द्वारा दी जाएगी, नॉट बाय द सेशन कोर्ट्स। तो जो सेशन कोर्ट जो कि ट्रायल कोर्ट थी, और फिर सबमिशंस दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने जो है वही सेंटेंस है एंटायरली फॉर द लाइफ और फर्स्ट स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए दे सकती है जब डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया जाए अक्यूज्ड को, तो इसलिए यहाँ पर जो है मॉडिफाई कर दिया जाए सेंटेंस को। और बाकी जो जजमेंट्स थी स्वामी श्रद्धानंद एंड अलियास वैसी मुरली मनोहर मिश्रा वैसी स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो बाद में एक पैराग्राफ नंबर 105 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट में जो वी श्री हरन का था वो भी बताया गया। और फिर सारे ऐसे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि इस फैक्ट्स में क्या थे कि जो डिसीज जो विक्टिम थी जो कि एक हैपली मैरिड वो जो प्रोमिनेंट कंपनी में काम करती थी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में, और नेचर ऑफ ड्यूटी भी थी उनकी जो उनको
काफी रात तक काम करना पड़ता था और टिल अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनी जो है वो कन्वेंस देती थी इन द फॉर्म ऑफ कार, जहाँ की जो एम्प्लॉयज है वो डिफरेंट डेजिनेटेड जो रूट्स हैं उस पर भेजती थी। लेकिन जब डिसीज थी उन्होंने 2 AM में जो जिस दिन फेटफुल डे था जो वहाँ पे ऑफिस 2 AM छोड़ा सुबह के 2 बजे, तो एक व्हीकल था कंपनी ने प्रोवाइड किया था वो हमें, और एक जो व्हीकल था वो रूट नंबर 131 पे यूज लेती थी। लेकिन उस दिन को अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया था कि वो ड्राइवर हैं और व्हीकल जो ऑपरेट 131 जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कहा कि वो व्हीकल नंबर रूट नंबर 405 पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद डिसीज ने उस कार पे ड्राइव किया, मतलब कार में जब बैठ गई उसके अक्यूज के साथ, फिर मटर्नल अंकल थे डिसीज के, उन्होंने लॉज की कंप्लेंट को जिसमें कि डिसीज थी मिसिंग है और बॉडी फिर रिकवर हुई, अपीलेंट्स के क्लोथ्स भी रिकवर हुए वहाँ से, डेड बॉडी से प्रोसिक्यूशन ने एस्टेब्लिश किया, चार्जेस ऑफेंस ऑफ रेप है और जो कि पनिशेबल है 376 और 366 ऑफ IPC। फिर उसके बाद अक्यूज को कन्विक्शन भी मिली 302 इंडियन पिनल कोड में, और फिर लाइफ थी जो विक्टिम की वो 28 ईयर्स ऑफ एज थी, उसको ब्रूचुअल मैनर पर शॉर्ट कर दिया गया। अब कोर्ट ने कहा कि ये बेंगलोर सिटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है और सब कंपनीज जो है उनके कस्टमर्स अब्रॉड में है, इसलिए कंपनी स्टाफ जो है मेंबर्स को लेट नाइट पे काम करना, वर्क एट नाइट पे काम करना पड़ता है, और इसलिए स्टाफ मेंबर्स जो है को कंपनीज द्वारा कंपनी और वुमेंस के लिए एक जो है वो कम मतलब स्टाफ मेंबर्स काफी कंपनीज में वुमेन भी है, और सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए कंपनीज जो है वो वर्किंग वुमेन को जो इशू था वो कंपनी का पास था कि वर्किंग वुमेन्स को कंपनी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। और जजमेंट ट्रायल कोर्ट में देख जो कोर्ट ने प्रिज्यू की और पाया कि जो डेट ऑफ कन्विक्शन थी जब अपील एंड की तब उस वक्त 27 जो फेज थे, उनकी वाइफ थी और स्मॉल चाइल्ड था और पेरेंट्स भी थे, एजिड पेरेंट्स थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह केस फिट नहीं है रेयरेस्ट ऑफ रेल में केस में, और इसलिए चूंकि अक्यूज के कोई एंटीसीडेंट्स नहीं है और जो लेकिन वो कंसिडरेशन नहीं होता है कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेल केस में आए, तो सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपील भी नहीं डाली थी कि कैपिटल पनिशमेंट की दी जाए अक्यूज को, ना अपील डाली थी, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल केस में कोर्ट में एक केस था उसमें उसकी जो पावर है एक्सरसाइज की जानी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दे रखा है उसको मॉडिफाई की जाती है पनिशमेंट में। हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि पनिशमेंट जो इम्पोज की गई थी ट्रायल कोर्ट को वो जस्टिफाइड है, और क्योंकि बैलेंस शीट ऑफ एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अब कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कंसिडर करें ऑल अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, और रिफॉर्मेशन कोर्ट जो है रिफॉर्मेशन ऑफ अक्यूज को भी देखती है, और अनड्यू लीनियंसी जो ब्रूचुअल केस पे देना एक एडवर्सली इफेक्ट होगा पब्लिक कॉन्फिडेंस का कि लीगल सिस्टम में जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अफेक्ट ना हो, इसलिए राइट्स ऑफ द विक्टिम को भी देखना पड़ता है, मतलब कंसीडर करना पड़ता है। और सर्कमस्टांसिस देखने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि एक फिक्स टर्म जो है पीरियड ऑफ 30 ईयर्स जो है वो इम्पोज कर देनी चाहिए, और यहाँ पर इसलिए सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया ट्रायल कोर्ट की, और उसको पनिशमेंट थी 302 की जो कि लाइफ अंडरगो लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द लाइफ की थी, उसको 30 ईयर्स ऑफ द एक्चुअल सेंटेंस कर दिया, इसलिए अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया सेंटेंस। तो ये था, उम्मीद था ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आप इसमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।